हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कॉमन डॉग फियर्स एंड फोबियाज, जो एक ओनर को पता होना चाहिए एडॉप्शन से पहले, किसी भी डॉग को एडॉप्ट करने से पहले। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 10 कॉमन फियर्स एंड फोबियाज बताऊंगा डॉग्स के बारे में। फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म, ये आपने देखा होगा कि जब आपके पालतू डॉग्स में ही देखा होगा कि जब कोई तूफान आता है तो वो छुप जाते हैं, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। वो अपने वियर्ड वियर्ड हरकतें करते हैं, जैसे अपनी पूंछ को नीचे दबा लेते हैं और कहीं बेड के नीचे छुप जाते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन डर है। फियर ऑफ फायरवर्क, ये भी एक कॉमन डर है डॉग्स के अंदर। आपने देखा होगा कि जब दिवाली का त्योहार होता है तो एक एग्जांपल देता हूँ, जो स्ट्रीट में स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो भागते फिरते हैं, वो अपने आप को छुपाते फिरते हैं, उनको डर लगता है इन पटाखों से। फियर ऑफ बींग अलोन, इसके अंदर डॉग्स को ये लगता है कि वो अकेले छूट जाएंगे, उनका कोई ध्यान रखता नहीं है, तो वो इसकी वजह से डिप्रेशन में भी हो जाते हैं। और इसका दूसरा नाम है सेपरेशन एंजाइटी। फियर ऑफ वेटनेरियन, कई बार जब हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वेट के पास लेके जाते हैं अपने डॉग्स को, तो वहाँ पे कुछ अलग अलग वियर्ड साउंड आती है या फिर अलग स्मेल आती है, तो उसकी वजह से उन डॉग्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता वहाँ पे, तो इस वजह से कई डॉग्स के अंदर इस चीज का भी डर आ जाता है। फियर ऑफ राइडिंग इन कार्स, ये एक कॉमन बात है, क्योंकि कई बार ना आप छोटे बच्चों को शुरू से, छोटे पप्पीज को शुरू से कार के अंदर बैठने की मतलब की प्रैक्टिस नहीं कराते, और जब वो बड़े होते हैं तो हम डायरेक्ट ये सोचते हैं कि कार में बैठेंगे और इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सबसे ज्यादा गलत बात है, क्योंकि कई जो डॉग्स को फोबिया हो जाता है कार्स का, क्योंकि हम बचपन से उन्हें कार्स के अंदर बिठाते नहीं है। फियर ऑफ गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर्स, ये भी एक मोस्ट कॉमन फियर है। बचपन से डॉग्स के बचपन से हम इनको एक्सप्लोर नहीं करने देते इन चीजों से। जैसे आपने देखो तो जैसे जब पपीज होते हैं तो उनको आप खुद उठा के लेके जाते हैं सीढ़ियों से ऊपर या ऊपर से नीचे, पर जब वो थोड़े ही साइज के या इस एज के हो जाते हैं वो अपने आप उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, पर कई लोग उनको फिर भी गोदी में उठा के और ऊपर लेके जाते हैं। तो इस वजह से कई डॉग्स के अंदर डर आ जाता है सीढ़ियों पे चढ़ने और उतरने के लिए। फियर ऑफ मैन, ये फियर अक्सर होता है कि किसी ना किसी टाइम पे किसी मैन ने उस डॉग को अब्यूज किया हो या फिर हमने उसको लेस सोशलाइज किया हो, तो इस वजह से ये डॉग्स के अंदर डर हो सकता है। फियर ऑफ स्ट्रेंजर, इसमें भी वही बात आ गई कि कभी ना कभी उस डॉग को अब्यूज किया गया हो किसी स्ट्रेंजर के द्वारा, और या फिर हमने उसको इतना इनफ सोशलाइजेशन नहीं कराया कि वो स्ट्रेंजर से मिले या उनसे कैसे रिएक्ट करे उनको पता नहीं होता, तो कई बार उनको डर लग जाता है इससे भी। फियर ऑफ चिल्ड्रन, कई लोग पेरेंट्स बनने से पहले डॉग्स को घर पे ले आते हैं और बाद में वो पेरेंट्स बन जाते हैं, मतलब या वो अपना बच्चा ले आते हैं, चाइल्ड आ जाता है घर में, तो डॉग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाता अच्छे तरीके से, तो इस वजह से उसके अंदर फियर आ जाता है चिल्ड्रंस के प्रति। फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर या फिर कोई और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जैसे स्टिक या फिर वाइपर, क्योंकि कभी ना कभी किसी टाइम पे कोई गलत एनकाउंटर हुआ होता है उनका इनके साथ, तो उनको इस चीज से डर लगने लग जाता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर की बहुत ज्यादा तेज आवाज होती है, तो इस वजह से भी उन्हें इस चीज से डर लगने लग जाता है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए।